हेलो एंड वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज रीजन था मैं ट्रेवल कर रहा था, और अगर रूटीनिटी में रोज एक ही बात आकर के करता हूँ तो मजा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं था जैसा कि कल के एपिसोड में मैंने देखा। आज वीकेंड का बार था, सलमान सर के साथ था, सलमान सर फैबुलस लग रहे थे, और आज पूरी फ्लोर पे उन्होंने घूम करके हमको दिखाया कि बिग बॉस का घर है कितना बड़ा और कितना अच्छा है उनका फ्लोर, वो उन्होंने सारा हमको दिखाया, बहुत मज़ा आया देखने में। दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करना शुरू करते हैं आज वीकेंड के वॉर की, के जो एक अलग सा हमारे टाइम पे कटघरा हुआ करता था और आज एक अलग सी जगह थी जिस पे उन लोगों ने गर्दन डाल के सभा को खड़ा किया ना, सभा ने सारी सभा को अपनी तरफ कर लिया, ये बात तो फॉर श्योर है, वरना इस तरह से सारे के सारे लोग मिलकर के उसको टारगेट नहीं करते होते। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अचीवमेंट फॉर यू डार्लिंग, कि तुमने कुछ बड़ा करके दिखाया है कि तुमको लोग पहचान रहे हैं। सो खान सिस्टर्स यू बिकम पॉपुलर नाउ, सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। और बिग बॉस ने भी ऐसा कुछ दिखा दिया कि हाँ शो को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम चाहिए हो शो को। तभी वो थोड़ा सा जैसे उन्होंने रोने की कोशिश की तो सलमान सर ने एकदम से उसको बोला कि तुम रोने क्यों लग गई। देखा जाए तो वो सेंसलेस था रोना उसका, बिकॉज कोई लॉजिक नहीं था उसके पास रोने का, पर वो रोई और सर को ऐसे फील हुआ कि तुम रो क्यों रही हो। देन फाइनली उसको बिठा दिया गया और दोबारा एक और घर के लिए ढूंढा गया नेगेटिव आदमी या गलती जिसने की थी, अनूप झलोड़ा सर को फाइनली वो चीज़ मिली और उनको सामना करना पड़ा उस चीज़ का। सलमान ने यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा गेम खेला, कहा कि जसलीन तुम नहीं कर सकती हो क्या, तो जसलीन मैं 100% श्योर था जसलीन मना करेगी, और जसलीन ने किया भी मना। सो देट वॉज ऑल्सो लाइक सोचा समझा हुआ फ्रॉम सलमान सर साइड के, देखते हैं क्या बोलती है जसलीन। हमें बार बार महसूस कराया जा रहा है, नोटिस करवाया जा रहा है कि जसलीन फेवर नहीं लेती है उनका और उनकी मदद करने की कोशिश नहीं कर रही होती है जसलीन। एनी वेज ये जसलीन का पार्ट है, जसलीन की लाइफ है, जसलीन क्या सोचती है अपनी लाइफ के बारे में, किस तरह से अपने लव रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहती है, वो उस पर डिपेंड करता है। फिर एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात आज ये हुई थी कि शिव की इंग्लिश पर बहुत सारी बातें हुई, आज बहुत सारे कमेंट हुए शिव की इंग्लिश पर, और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा कि शायद मैं भी नोटिस नहीं कर पाऊंगा कितनी गलतियां शिव कर रहा है, बट सलमान सर ने तो मतलब मजा खड़ा कर दिया उसकी गलतियां बता बता करके और उसकी इंग्लिश पे। बट देखो लड़के का पेशेंस की मैं दाद दूंगा कि वो भी अपने पेशेंस को खो नहीं रहा था और रेगुलरली हर बात के बाद में कह रहा था ठीक है सर मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनो सर, समझो सर। सो देट वॉज ही शोज इज रियलिटी के वो करना चाहता है काम, वो रहना चाहता है शो में, इसलिए वो अपना पेशेंस दिखा रहा था। सो शिव दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू यू कि तुमने कुछ बहुत सुना और करके दिखाया, सो दैट्स ग्रेट। पहले ही उन्होंने उसको एक टास्क में भी डाल दिया, जिस तरह से एंड में वो नाच लिया सैटरडे सैटरडे में, तो शायद उसके दिमाग से वो पुरानी बातें निकल गई होंगी। कीर्ति बहुत हॉट और बहुत बढ़िया लग रही थी, उसने भी बहुत अच्छा डांस दिखाया। एनीवेज बात करते हैं इसके बाद में जिन जिन लोगों पर, दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू गाइस, कि जिन जिन लोगों पर कैमरा वीकेंड्स पे हो वो लोग कुछ करके दिखाने वाले होते हैं शो को, जिसे हमें आज हिंट मिली कि उन्होंने दीपक को कैमरा पे लाया, दीपिका को कैमरा पे लाया, सभा सिस्टर्स को, खान सिस्टर्स को कैमरा पे लाया, अनूप सर को कैमरा पे लाया, करणवीर को, करणवीर वाला जो एक्सपोजर सर ने बताया, एक्चुअली मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो इससे पहले अपलोड किया था मैंने भी इस चीज़ के बारे में कह दिया था कि साइलेंट वर्सेस कॉमन हो रही है और करण दिमाग लगाना शुरू हो चुका है। सो बहुत जल्दी था उसका उसको एक्सपोज करना, ये भी मतलब मैं ये कहूँगा कि शो को बड़ा करने के लिए बहुत जल्दी सारी चीज़ें हमको दिखाई जा रही हैं, तो बहुत जल्दी ये देखने को मिला कि उन लोगों ने उसको उसका पर्दाफाश किया कि वो लोग चाहते थे दीपिका कैप्टन बने, और ये अच्छी बात है घर वालों को पता चले, तो एटलीस्ट इसको होने के बाद में वकील साहब अपनी कॉमनर्स की टीम को अलग लेकर के गए, सेलेब्स अकेले में बात करने लगे कि टीम टीम हो रही है। और आज वकील साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही जो हमारे सीजन में हमने करी नहीं थी, ऑटोमेटिकली हो गई थी, हम मोनालिसा को हमारी तरफ लेकर के आए थे, तो आज उन्होंने क्या बोला, सृष्टि रोड अकेली बढ़ रही है उसको अपनी तरफ लेकर आ जाओ। सो दोस्तों इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुरानी सीजन को चाट के आए लोग और वैसा का वैसा कुछ करना चाह रहे हैं, सो दैट वाज आल्सो अ गुड थिंग कि लाइक लोग अपने जहन में प्लान्स बना रहे हैं और चीज़ें करना शुरू कर रहे हैं, दैट वाज आल्सो गुड। अनूप सर के साथ जो हुआ वो मुझे कोई गलत नहीं हुआ यार, क्या है अंडा खिलाया और पिलाया, अगर आप एक रियलिटी शो का हिस्सा बनने के लिए आते हो तो आपको इन सब चीज़ों को तो देखना पड़ेगा, दैट वॉज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, अच्छी बात थी उनके साथ हुआ जो। और जसलीन बहुत पॉइंट और बहुत अच्छा बोलती है, मैं हर बार बोल रहा हूँ इस बार फिर कह रहा हूँ, जसलीन ने बहुत तरीके से और ढंग की बातें की। नाउ कम टू श्री शांत सर, मैंने एक वीडियो अपलोड किया श्री के लिए अपने पेज पे, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, मनु पंजाबी M3 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया और उस वीडियो पे बहुत सारी बातें हुई दोस्तों, लोगों ने कहा कि आप श्री को जानते नहीं हो, श्री के बारे में क्यों कमेंट कर रहे हो, क्या बोल रहे हो।
सो अगर किसी में अक्ल की थोड़ी सी कमी है दोस्तों, जिनमें भी जिन्होंने कमेंट किए थे उनमें अक्ल की थोड़ी सी कमी थी कि मैं श्री की बुराई नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था श्री हमें अपनी इमेज के लिए आए हैं, अपनी इमेज को खराब करके नहीं चले जाए, बिकॉज आप लोगों को शायद नहीं पता होगा पर मुझे पता है श्री अपनी इमेज के लिए यहाँ पे आया है, ठीक है, तो उसको खराब ना करें, मेरी एडवाइस थी। मैं डायरेक्ट श्री सामने होता तो भी उसको एक ही चीज़ बोलता। अब आप लोगों को अगर लगता है मैं नहीं बोलता तो मुझे नहीं पता, अगर आप मेरे ट्रू फैंस हो या ट्रूली मुझे जानते हो तो आपको पता होता कि मैं ऐसे ही श्री को भी मुंह पे बोलता। सो दैट वॉज माई पॉइंट ओनली। करण भी समझा ही रहा है श्री को, बट आप लोग मुझसे कहना आसान समझा आप लोगों ने, तो मैंने उन सब लोगों को ब्लॉक कर दिया जिनकी बात मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही थी और कईयों को वॉर्न करके छोड़ दिया। एनीवेज, सो करणवीर के बारे में आज सलमान सर ने बाकी के लोगों को बता दिया कि करण सर थोड़ा सा संभल के चलो वरना मुश्किल हो सकती है, करण से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो, बिकॉज मुझे जहाँ तक लगता है शायद कोई भी नहीं चाहता होगा फैमिली शो बने। नेहा पेंसे ने कहा था कि हम फैमिली की तरह रहते हैं, फैमिली है, तो सलमान सर उसको टोक के बोला हम फैमिली फैमिली गेम नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर। सो इट्स नॉट अ फैमिली गेम फर्स्ट गाइज, कि हम लोग इसको बहुत शांति से और सलीके से खत्म करने की कोशिश करें। बाकी वीकेंड में और जो बातें हुई, दो लोगों को सेव कर दिया गया, दीपिका एंड सृष्टि आर सेफ नाउ फ्रॉम नॉमिनेशन। सो आई एम टेलिंग यू, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, मेरी गट फीलिंग आ रही है इस बार कोई नॉमिनेट नहीं होगा। सलमान सर की हमेशा एक कोशिश रहती है कि वो फर्स्ट नॉमिनेशंस को किसी तरह से स्किप करें, कोई बढ़ा देना चाहे या कुछ भी हो जाए, या मैं अपनी तरफ से बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं, क्योंकि ट्रूली सेइंग कि कभी जेस्चर ही नहीं मिल पाया है प्रॉपर, लोगों को समझ में ही नहीं आया करना क्या है और बोलना क्या है, तो उससे पहले अगर किसी को निकाल दोगे तो शायद यार गलत ही होगा। तो सलमान सर, जहाँ तक मुझे लगता है सलमान सर इस एलिमिनेशन को रोकेंगे, और फिर अगर निकलता है तो हरियाणा पुलिस शहीद होगी क्योंकि उन्होंने कुछ करके ऐसा खास दिखाया नहीं है। सो मैं तो चाहूँगा कि हरियाणा पुलिस को एक बार टाइम मिले थोड़ा सा कि वो खुद को प्रूव कराए, खुद के बारे में दिखा पाए। रेस्ट, इसके अलावा और क्या टॉपिक था जो आज बात करने लायक था? सलमान सर ने प्रैंक किया, प्रैंक करके सृष्टि रोडी को रोना आ गया। दीपिका ने आज फिर अपना क्लियर मत दिया कि मैं नहीं चाहती हूँ, ये दोनों सिस्टर्स बोर्ड पर होती और रोशनी और कीर्ति आर द कैप्टन नाउ, बट रोशनी से इतनी बात की नहीं गई क्योंकि रोशनी शायद खुद भी इंटरेस्ट दिखाती भी नहीं है इतनी बात करने में, तो इसीलिए उस पर इंटरेस्ट लिया भी नहीं गया। तो रोशनी, इफ़ यू वॉन्ट टू शो योर सेल्फ टू इंडिया, यू वॉन्ट रियली वॉन्ट कि तुम्हें काम करना है रेगुलरली, तो देखो बेटा दिखना पड़ेगा, अदरवाइज तो कॉमनर्स दिख रहे हैं। सलमान सर ने एक और हमारी सीजन वाली बात रिपीट की कि आप सेलिब्रिटीज़ बिल्कुल दिख नहीं रहे, तो सेलिब्रिटीज नहीं दिख रहे हैं कि पीछे लॉजिक यही है कि उनको कहीं ना कहीं इम्यूनिटी की गलतफहमी दिमाग में होती है। फर्स्ट वीक में नहीं निकलेगी लेकिन सेकंड थर्ड वीक में ऑटोमेटिकली निकल जाएगी उनकी, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ खड़े रहना चाहिए। करण कर रहा है पर करण को अब ना रोस्ट किया जा रहा है, फ्राई किया जा रहा है, करण पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं बिकॉज करण को निखार के बाहर लाना चाहते हैं क्रिएटिव्स, क्योंकि हकीकत में वो शायद ऐसा नहीं है इसका मतलब, जैसा वो अपने आप को प्रूव कर रहा है। सो करण, अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लो और अपनी रियलिटी पे सामने आओ। एक फिजिकल टास्क का प्रोमो कटा है जिसके अंदर वो हमारा लॉन्ड्री वाले टास्क की तरह दिख रहा है, कॉस्ट्यूम्स भी उन्होंने वही पहने हैं, ऑरेंज ड्रेस ही था हम लोगों का। सो शायद उस टास्क से ये बचा कुचा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा लोगों का और लोग सामने आने लगेंगे। सभा सिस्टर्स, यू आर गोइंग गुड। दीपक के लिए स्पेशली मैं आज कमेंट करता हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा दीपक को। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब वो बात करना शुरू करता है तो कुछ ऐसे मतलब, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो थोड़े से कनिंग होते हैं, जो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों की ब्रेन्स के साथ खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कनिंग होते हैं बेसिकली, वो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं जैसा वो चेहरा बनाता है बार बार। एंड श्री का कितना रिस्पेक्ट है मुझे, कितना श्री अच्छा इंसान है वो हम सब लोग जानते हैं, आई लव श्री, बट कहीं गलती करेगा तो अपने दोस्त को, भाई को भी बोलना चाहिए। सो दैट्स व्हाई मैंने उसको बोला। और दीपक गलतियाँ कर रहा है रेगुलरली, क्योंकि दीपक को आज ये पूरे वीक की रिपोर्ट सुनाने के लिए भी कह दिया, तो दीपक कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रहा है। ओके गाइस, ठीक है, आज का मेरा रिव्यू यही था आप लोगों को, और जब भी मुझे कुछ प्रॉम्प्ट और परमानेंट लगेगा मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के अपलोड करके बताऊंगा। बेस्ट, आप लोगों को कुछ बोलना हो तो आप बताएं। नेहा पेन से फैमिली शो समझ रही है बट इट इज़ नॉट अ फैमिली शो, सो नेहा पेन से को मेरी एडवाइस है, और नेहा के पेन से अगर चाहो तो आकर के गले बढ़ जाना और बोल देना तुमने ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला। एनीवेज, लव यू गाइस, थैंक यू और कीप सपोर्टिंग, लव यू गाइस। मैं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, बिग बॉस का वाला।